आज हम डिस्कस करेंगे एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले कि एरे क्या है। एरे एक ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का। सिमिलर डेटा टाइप्स से मतलब हमारा ये है कि या तो सारे जो ग्रुप है एलिमेंट्स का वो या तो इंटीजर टाइप के होंगे, फ्लॉट टाइप के होंगे या कैरेक्टर टाइप के होंगे। तो एक एरे जो होगा वो या तो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगा या फ्लॉट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगा या कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगा। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक ही टाइप के होंगे, एक ही डेटा टाइप के होंगे। अब एरे की हमें ज़रूरत क्या है कि जब हम वेरिएबल होता है वो भी या तो इंटीजर टाइप का होता है या किसी ना किसी डेटा टाइप का होता है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमें एरे की क्या ज़रूरत है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 इंटीजर नंबर्स हैं और हमें उनका एवरेज करना है। अब इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये कि या तो हम क्या करें, 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। 100 अगर हमें हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें डेटा स्टोर करवाना पड़ेगा, 100 टाइम्स मतलब स्कैनअप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरेज जो है वो तो 100 एलिमेंट्स का है, लेकिन हमें 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हर एक 100 डिक्लरेशंस करने पड़ेंगे। और दूसरा मेथड क्या है कि हम सिर्फ एक ही एरे डिक्लेयर करेंगे, हम एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे की साइज़ रखेंगे हम 100। इसका मतलब ये है कि वो एक एरे है और उसमें 100 वैल्यूज़ स्टोर होंगी। अब वो सारी 100 वैल्यूज़ क्या हैं, सेम टाइप की हैं, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज हमें फाइंड करना है वो इंटीजर वैल्यूज़ का करना है, तो वो सारे क्या हैं, इंटीजर टाइप का एक एरे हम क्रिएट कर देंगे। एक लूप की हेल्प से हम डेटा स्टोर करवाएंगे और उसके बाद में हम एक लूप की हेल्प से ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब कि जो एरे क्रिएट करके और फिर जो वैल्यूज़ को स्टोर करना है, वो ज़्यादा इजी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कि हम 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करें और फिर उसमें डेटा एंटर करवाएं यूज़र से। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो ये होता है हमारा कि सबसे पहले हम टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का एरे है, मतलब डेटा टाइप लिखेंगे कि किस टाइप की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी एरे के अंदर स्टोर होंगी। उसके बाद हम एरे का नेम देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे एरे की साइज़ क्या है, मतलब कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं एरे की साइज़। जैसे हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा उसमें क्या है कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ स्टोर करनी है और कितनी करनी है, 100 करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप हमारा क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, इंटीजर टाइप का। फिर हम एरे का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल, किसी वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल का नेम देते हैं, उसी तरह से हमें एरे का नेम देना है। और उसके बाद हमें 100 वैल्यूज स्टोर करनी है, तो एरे की साइज़ हो जाएगी हमारी 100। ये जो हमारा एरे है ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है। दो तरह के एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू 3D डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे हमने सिंगल डायमेंशन, ये जो सिंटेक्स है ये सिंगल डायमेंशन का है। सिंगल डायमेंशन का है ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने जो डायमेंशन मेंशन की है एरे की, एरे साइज जो मेंशन की है वो एक ही की है, तो ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है।
अब उसके साथ ही जो ये हो गया, उसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट किया है और उस एरे का नाम है बैलेंस, और उसमें जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो डबल टाइप की होंगी। तो हमें सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करना है, तो डेटा टाइप हमारा डबल हो गया, एरे का नाम हमारा बैलेंस है और हमें 10 वैल्यूज को स्टोर करवाना है, इसलिए हमने एरे की साइज़ दे दी 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल एरे क्रिएट हो गया जो 10 वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकता है। अब है इनिशियलाइजिंग एरे, कि एरे को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब है उसकी कोई वैल्यू डिफाइन करना। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे एरे को, उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमारी एरे की साइज़ क्या है, 5 है, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 5 वैल्यूज़ हम एंटर कर देंगे जो कि सारी कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होंगी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगी, और लास्ट में सेमी कॉलन जो हमारा बताएगा एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। अब जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी, वो हमें बताएंगी कि एरे की साइज़ क्या है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि हमने एरे की साइज़ डिफाइन की है उससे। अगर एरे की साइज़ हम डिफाइन नहीं करते हैं लेकिन अगर हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमने 5 डिफाइन किया है और साथ में हमने इनिशियलाइज भी किए वैल्यू, अगर हम सीधा इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू और यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि एरे की साइज़ क्या है, तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा बैलेंस जिसकी साइज़ क्या होगी, 5 होगी। वो 5 साइज़ कहाँ से आई है, यहाँ से, जितनी वैल्यूज़ इनिशियलाइज होंगी उतनी ही साइज़ का एरे क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये वैलिड हैं हमारे। अगर हमें किसी एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है एरे की, तो हम क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स लिखेंगे या पोजीशन लिखेंगे जिस पोजीशन पे हमें क्या करना है, वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वैल्यू जो हमें उसे असाइन करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बैलेंस नाम का जो एरे है उसमें 4th जो इंडेक्स है उस पे हमारा वैल्यू 50 जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है एरे एलिमेंट्स की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एरे के अंदर जो हम एलिमेंट्स एक्सेस कर रहे हैं वो हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं, पोजीशन के थ्रू कर रहे हैं। तो एरे के अंदर जो इंडेक्स होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा किस पे होगा, 0th पोजीशन पे होगा। अगर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एरे का नाम देंगे यहाँ पे और उसके बाद में हम पोजीशन देंगे। जैसे हमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, अब फर्स्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा, 0th पोजीशन पे, 0th इंडेक्स पे होगा। तो हमने एरे का नाम लिखा और यहाँ पे हमने पोजीशन मतलब 0 दिया, तो इसका मतलब हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एरे है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है, उस एरे का नाम है मार्क और उसमें 5 वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं और वो 5 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दी हैं। तो अब ये जो वैल्यू है 19, ये हमारा है मार्क 0, ये है मार्क 1, ये है मार्क 2, ये है मार्क 3 और ये है मार्क 4। तो मतलब इस एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं मार्क इंडेक्स में यहाँ पे 0, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मार्क 1 से एक्सेस होगा। अगर हमें थर्ड एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज करनी है -1, तो थर्ड एलिमेंट का मतलब वो क्या हुआ, इंडेक्स उसका 2 हुआ, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो इस पे 0 एलिमेंट
सॉरी, इस पे ज़ीरो इंडेक्स है, फिर फर्स्ट इंडेक्स और फिर सेकेंड इंडेक्स है। तो थर्ड एलिमेंट हमारा किस पे होगा? इंडेक्स टू पे होगा। तो हमने लिखा मार्क, एरे का नाम और इंडेक्स का नाम, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर वैल्यू जो हमें असाइन करनी है। अगर हमें फिफ्थ एलिमेंट को ज़ीरो पे सेट करना है तो क्या होगा? फिफ्थ एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे मार्क फोर, इंडेक्स फोर से करेंगे। हमेशा जो पोजीशन होगा उससे इंडेक्स एक पीछे रहेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है इसलिए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि एरे का कैसे यूज़ है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम फाइव वैल्यूज़ ले रहे हैं यूज़र से और उनको एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हमें सिंपली क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है फाइव वैल्यूज़ का, और उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया है। हमें एसटीडीओ हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, तो हमने एसटीडीओ हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंटर फॉर स्कैनर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड की। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप बताया हमने कि किस टाइप की वैल्यू वो एरे स्टोर करेगा, उस एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है वैल्यूज़, और फाइव इसकी एरे की साइज़ है, दैट मीन्स कि इसमें फाइव वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि एरे नहीं क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पांच वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिए जिसकी साइज़ फाइव करती है। अब यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं कि एंटर फाइव इंटीजर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से हम इनपुट लेते हैं स्कैनर फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लूप चला दिया है। अगर फाइव वेरिएबल्स क्रिएट करते तो हमें फाइव टाइम्स स्कैनफ करना पड़ता है, या एक टाइम स्कैनफ करके फाइव टाइम्स हमें उन वैल्यूज़ को लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लूप चला दिया है। इंट आई वोज टू ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होती है। लेस देन फाइव चलाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे फाइव एलिमेंट्स हैं, तो वो i इक्वल्स टू फोर तक फाइव एलिमेंट्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इस फोर लूप के अंदर स्कैनर फंक्शन को यूज़ किया है। स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। अब वो वैल्यू जो है, जो कीबोर्ड से एंटर हुई है, यूज़र ने एंटर की, वो हमारी कहाँ पे जाएगी, m परसेंट वैल्यू i पे। मतलब इंडेक्स जब i है, i इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो वैल्यू ज़ीरो पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल्स टू वन होगा, आई इक्वल्स टू वन होगा तो मतलब वैल्यू वन पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी, फिर आई प्लस प्लस आई होगा तो आई इक्वल्स टू टू हो जाएगा, वापस ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये जो भी यूज़र ने इनपुट की होगी वैल्यू वो जाएगी हमारी वैल्यू टू पे, उसके बाद थ्री पे, और उसके बाद फोर पे। जैसे ही आई इक्वल्स टू फाइव होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो में एंटर की, वैल्यू वन पे एंटर किया, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री और वैल्यू फोर पे एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करवा दी। अब हम प्रिंटर फंक्शन से डिस्प्ले करवा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे कि डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। अब हमें डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले के लिए हम वापस से एक फोर लूप चलाएंगे। अब किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना हो तो वो हम किससे कर सकते हैं, एरे का नाम और उसके बाद पोजीशन या इंडेक्स। तो हमारा इंडेक्सिंग एरे के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होती है, और हमें वन बाय वन क्या करना है, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्सिंग ज़ीरो से हम शुरू करेंगे और यहाँ पर वन बाय वन वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये सिंपल एक हमारा मेथड हो गया, एरे के थ्रू हम वैल्यूज़ को यूज़र से ले रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं। ये सिंपली फाइव वैल्यूज़ के लिए था। अगर
ये 100 वैल्यूज़ के लिए होता है, और अगर एरे का कंसेप्ट नहीं होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एरे की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी कम हो गई है, हमें जो लाइन ऑफ कोड है वो हमारा कम हो गया है। तो एरे जो है वो अगर कहीं पे भी हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है जो सेम टाइप के हैं, तो एरे हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम सेपरेट वेरिएबल्स को क्रिएट करें। तो ये था हमारा वन डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।